हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 के फाइनल रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइपिंग हो चुकी है आपकी, डीवी हो चुका आपका, यहाँ तक कि फाइनल वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है। फाइनल वैकेंसी के कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आना चाहिए और क्या ट्रेंड रहा, अगर एसएससी की बात करूँ हम तो उस ट्रेंड को भी अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर कंसिडर करूँ तो उस हिसाब से क्या करता था एसएससी, जिस दिन वैकेंसी रिलीज होती थी उसके 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर देता था। लेकिन क्या हुआ, 2020 का जब रिजल्ट आया आपका, 2020 का जब रिजल्ट आया तब उसने जब आपकी टाइपिंग रिजल्ट सॉरी आपको जब आपका फाइनल फाइनल आपकी जो वैकेंसी उसने रिलीज की तो उसके 10 दिन बाद 11 दिन बाद उसने फाइनल रिजल्ट आपको दिया था शायद। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एसएससी का ट्रेंड कुछ दिनों से ऐसे चल रहा है, जब तक रिजल्ट आपका आया तो देखा गया हो, आपने देखा होगा कि एक साथ 2-3 रिजल्ट आते हैं तो वो बार बार नहीं देते, एक ही दिन में 2-3 रिजल्ट उनको जो देना होता है वो दे देते हैं। अब जैसे कि एमटीएस का रिजल्ट आया था उसी दिन सीएचएसएल का कुछ रिजल्ट आ गया था, उसने सीजीएल का भी कुछ रिजल्ट आ गया था, तो ऐसे एसएससी कर देता है। तो अभी क्या दो रिजल्ट अभी आपके बाकी हैं, एक तो एसएससी सीएचएसएल का 2021 का टाइपिंग का रिजल्ट बाकी है और आपका 2021 सीजीएल का फाइनल रिजल्ट बाकी है, तो ये दोनों एक ही डेट में आने की संभावना पूरी पूरी है। पहले सीएचएसएल आ जाए या सीजीएल आ जाए, बाद में जो भी है एक ही दिन में आने की संभावना है। तो ये जो आपका रिजल्ट है वो मैं मान के चल रहा हूँ 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप नहीं ज़्यादा जाना चाहिए, 15 मार्च तक आपका ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। जो हम आपको क्लियरिटी दे रहे हैं 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और 15 मार्च के रिजल्ट आने के बाद आपका फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका जॉन भरवाया जाएगा। पहले तो आप अपनी रैंक देखेंगे, रैंक के हिसाब से फिर अपना जॉन की वैकेंसी देखेंगे, वो भी पूरा हम डिटेल बाद में बता देंगे जब फाइनल रिजल्ट आपका एक बार आ जाने दीजिए। 15 तारीख तक का वेट के लिए, 15 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मैं होप सो ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और उसके अलावा एसएससी पे कुछ भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं कभी कुछ बोल कह देता हूँ एसएससी मुझे भरोसा है तो स्टूडेंट कहते हैं आप एसएससी पे इतने आसानी से भरोसा कैसे कर लेते हैं। खैर ये एक आशा है कि शायद आप जल्दी से रिजल्ट आपका 15-10 दिन के आज 6 तारीख है, 9-10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए और सबका जो जितने लोग आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँचे हैं फाइनल तक पहुँचे तो उनका सिलेक्शन हो जाए, जितने लोग लायक हैं उसके, वो जो चीज़ लायक तो सभी होते हैं लेकिन किसका समय ख़राब होता है किसका, मतलब जिसका जिसका नंबर जिस हिसाब से सर और कट ऑफ का अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो मैंने आपको पहले भी कट ऑफ बता रखी है ये कितने पे आप सेफ स्कोर रहेगा आपका, तो वो आप देख सकते हैं, वीडियो भी हमारा है वहाँ पे 4600-4700 के लिए, 4600-4800 के लिए मैंने आपको कट ऑफ बताया था, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं पूरी कट ऑफ की वीडियो बन जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि अब एक कल वीडियो लेके आऊँ जिसमें कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, और जिसमें जो मैंने पहले ही कट ऑफ बताई थी उसमें थोड़ी सी ही वही कट ऑफ आपको दोबारा से बता दूँ। अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए कितना सेफ स्कोर चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने पेपर दिया तो गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए, गूगल फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा डाटा रहेगा तो उस बेस पे यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचना चाहते तो बस इस वीडियो में बस नहीं, आपका 15 मार्च तक रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ।